तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, हम लोगों ने उसका बेसिक्स पढ़ लिया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो उसके ऊपर ही बेस्ड है। असाइनमेंट आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी गई है, तो आप लोग इसको क्वेश्चंस को देखेंगे वन बाय वन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास दिया हुआ, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर 7 फॉर रूट 3 एंड रूट 13 सेंटीमीटर, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो हमारे पास है यहाँ पे साइड्स दी गई हैं, ए इज इक्वल्स टू 7, बी इज इक्वल्स टू 4√3 एंड सी इज इक्वल्स टू √13। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो आप यहां पे हम लोगों को स्मॉलेस्ट एंगल ध्यान देना। देखिए रूट थ्री की वैल्यू थी 1.73, तो 4 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। सिमिलरली अगर हम लोग सी को देखेंगे तो √13 होता है, √16 होता है 4, √9 होता है 3, तो ये 3 पॉइंट समथिंग है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट साइड, सी इज द स्मॉलेस्ट साइड हियर। जस्ट ए मिनट, सो सी इज इक्वल्स टू √13। हमारे पास यहाँ पे वी हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट एंगल, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे cos c। तो cos c इज बिकॉज स्मॉलेस्ट साइड है स्मॉलेस्ट एंगल ऑपोजिट टू इट, तो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है c, तो इसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा। तो cos c इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए। कॉस सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर प्लस 4√3 स्क्वायर माइनस √13 स्क्वायर अपॉन 2 × 7 × 4√3। So we have it is 49 plus 48 minus 13 upon 2 × 7 is 14 into 4√3. So we got cos c is equals to 97 minus 13, yani 84 upon 14 into 4√3. तो यहां पे 14 6 3 एंड 2, तो हमारे पास क्या जाएगा, cos c इज इक्वल्स टू 3 upon 2√3, जिसको मैं √3/2 लिख सकता हूं। सो cos c इज इक्वल्स टू cos 30, देयरफॉर C is equals to 30 degrees. So this is the answer for us. तो हम इस तरह से एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर पी क्यू एंड, तो हमारे पास A is equals to P, B is equals to Q and C is equals to under root of P square plus Q square plus P cube. ये given है हमारे पास, और ये हमें बोलते हैं greatest angle find out करना है। तो here
सी इज द ग्रेटेस्ट साइड. So this implies that cos of c is equals to हमारे पास क्या देगा, अगेन वही जैसे हमने ऊपर लिखा a square plus b square minus c square upon twice ab. तो वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे, this is p square plus q square plus माइनस अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस पी क्यू. तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारे पास कॉस सी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस पी क्यू. नाउ यहां पे आपके पास ये पी स्क्वायर पी स्क्वायर, अपॉन टू पी क्यू सो दिस इज माइनस वन बाय टू. अब जो ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि कॉस सी इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस पाई बाय थ्री, और जिसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाय थ्री. So therefore cos c is equals to cos 2 pi by 3 or c is equals to 2 pi by 3. So c is equals to 2 pi by 3 का मतलब यही है कि हमारे पास जो एंगल आया that is 120 degree. तो हमारे पास इस तरह से हम लोग इसको, जब भी हमारे पास sides given है तो हम लोग एंगल को directly find out कर सकते हैं. So this is how we can go with the thing. अब देखिए हमारे पास अगर साइड्स गिवन हो तो हम लोग अगर हमें एंगल पूछा जाए तो हम कोसाइन फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अगर साइड्स एंड एंगल गिवन और हमें कोई एंगल पूछा जाए तो फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग साइन फॉर्मूला यूज करते हैं. जैसे हमारे पास नेक्स्ट में दिया गया A is equals to 16, B is equals to 12, and angle B is equals to 30 degree. हमें find out करना है angle A. तो we know A upon sin A is equals to b upon sin b. तो आपके पास आ जाएगा 16 upon sin a is equals to 12 upon sin 30. This implies that 16 upon sin a is equals to 12 upon 1 upon 2. देखें आप इसको 4 4 16 4 3 12 एंड यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, यू विल गेट 4/6 इज इक्वल्स टू साइन ए, और यहां से sin a is 2/3 और
A is equals to sine inverse 2 upon 3. So this is the answer for us. So हमारे पास जो चीज given है हम उसको किस तरह से find out करते हैं, इसको हम लोग साइन और कॉस के फॉर्मूला से यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसको नोट करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, हमारे पास दिया गया है ट्रायंगल एबीसी ए इज इक्वल्स टू 3, बी इज इक्वल्स टू 4, C is equals to 5. हमें साइन 2a फाइंड आउट करना है. We have to find sine 2a. And sine 2a हम सबको पता है कि sine 2a is टू sine a cos a. तो हम क्या करेंगे, हम पहले cos a फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें a b c गिवन है और फिर उस cos a को यूज करके हम sin a यूज फाइंड आउट करेंगे. तो cos a इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2 into 4 into 5. This is 16 plus 25 minus 9 upon 2 into 20. And this becomes what? 16 प्लस 25 दिया जाएगा आपके पास 32 अपॉन 40 एंड दिस इज 4 अपॉन 5. सिमिलरली हम साइन ए अब आप फाइंड आउट करेंगे तो साइन ए इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर होल अंडर रूट 1 minus 16 upon 25 and that is equals to 9 upon 25, that is 3 upon 5. So therefore sine 2a is 2 sine a cos a 2 into 4 upon 5 into 3 upon 5, it becomes 24 upon 55. So this is the answer for us. इस तरह से हम लोग simple जो चीज given है उसको वैसे use करके we can find out the answer. Now we are having हमारे को दिया गया इन ट्रायंगल एबीसी ए इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. बड़ा ए जो है वो एंगल्स को डिपिक्ट करता है और छोटा ए जो है वो साइड को डिपिक्ट करता है. ए इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड सी इज इक्वल्स टू 75 डिग्री. और हमें बोलता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो हम लोगों ने देखा था, इफ यू रिमेंबर वी नो a upon sine a, sine formula is equals to b upon sine b is equals to c upon sine c is equals to, मगर k ले लें तो हमारे को क्या मिलेगा, a is equals to k sine a, b is equals to k sine b and c is equals to k sine c. Therefore, A is to B is to C is
sine A is to K sine B. Is to K sin C. आप देखें यहां पे हम इन केस को छोड़ दें अगर, तो हमारे पास A is to B is to C जो रेशियो हमसे पूछा गया, दिस इज sin A is to sin B is to sin C. All we need to do, हमें क्या करना है, बस इनकी वैल्यूज लगानी है. That is sin 45 is to sin 60 is to sin 75. And ये हमारे पास क्या बन जाएगा, this becomes sin 45 is 1 upon root 2. Then sin 60 is root 3 upon 2 is 2. ये आ जाएगा 3 + 1/2 √2. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे एलसीएम बराबर करने के लिए वी कैन राइट इट एज ए इज टू बी इज टू सी. एज देखो यहां पे रूट टू है और यहां 2√2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2/√2, ताकि डिनोमिनेटर सेम आ जाए. सिमिलरली इसको लिख सकता हूं √6/√2, और इसको लिख सकता हूं √3 + 1/√2. बस आपका ये डिनोमिनेटर अगर आप काट दें तो यू विल गेट योर आंसर, दैट इज ए इज टू बी इज टू सी इज 2 √6 √3 + 1. तो दिस इज द आंसर फॉर अस. आपने सिंपली जो साइन फॉर्मूला था अभी तक हमने उसको यूज किया और कोसाइन फॉर्मूला को यूज किया. तो जहां पर हमारे पास साइड्स गिवन और हमें एंगल फाइंड आउट करना है वहां पे हम कोसाइन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और जहां पर हमें एंगल्स दिए गए हैं और हमारे पास साइड दी गई है तो हम लोग वहां पे साइन फॉर्मूला यूज करते हैं. जैसे 6 बड़ा सिंपल सा गिवन है, इट इज गिवन टू अस एज ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू 3 एंड साइन ए इज इक्वल्स टू 2/3. सो वी नो A upon sin A is equals to B upon sin B. तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2/3 is equals to 3/sin B. और यहां से हमें sin B का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहां से इफ यू सी तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, साइन बी इज इक्वल्स टू 3/2 × 2/3 = 1. देयरफॉर बी इज इक्वल्स टू 90°. तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ बी एज 90°. तो दिस इज हाउ वी कैन गो ऑन विद द थिंग्स. तो इस तरह से हम लोगों को ये चीजें पता चल जाती है कि हम लोगों को साइन फॉर्मूला यूज करना है या कोसाइन फॉर्मूला यूज करना. यू नोट दिस डाउन, फिर इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं. चलिए जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. ये हमें बोलता है इन अ ट्रायंगल एबीसी द एंगल्स आर इन एपी एंड बी इज टू सी इज √3 √2. हम लोगों को दिया गया है बी इज टू सी इज √3 √2, और ये हमसे पूछता है कि एंगल ए क्या होगा.
चलिए एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, इफ ए बी सी आर इन ए पी तो देन टू टाइम्स बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। हम लोग लेते हैं ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो ये हमेशा हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहां पे एस एंगल ए हम सीधा लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर हम कह सकते हैं 2b प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 3b इज 180 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब b हमें 60 डिग्री मिल गया, राइट, b इज टू c ऑलरेडी हमारे पास है, हम एंगल c पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर एंगल a हमें मिल जाएगा। तो हेयर b रूट थ्री अपॉन साइन 60 इज इक्वल्स टू रूट टू अपॉन साइन c, और ये आपके पास आ जाएगा रूट थ्री अपॉन रूट थ्री बाय टू इज इक्वल्स टू रूट टू अपॉन साइन c, और दिस इंप्लाइज दैट साइन c इज इक्वल्स टू रूट टू अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री अपॉन टू। देखें जी ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमें देगा वन अपॉन रूट टू, यहां से हमें मिल जाएगा वन अपॉन रूट टू। अब साइन का वैल्यू साइन सी का वैल्यू इज वन अपॉन रूट टू, यानी साइन सी इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री, क्योंकि वन बाय रूट टू साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है। दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। नाउ वी हैव गॉट सी, वी हैव गॉट बी, तो देयरफॉर वी कैन से दैट a plus 60 plus 45 is equals to 180 degree, therefore a is equals to 75 degree. So 75 degree is the answer for us. तो इस तरह से आप questions को find out कर सकते हैं और आपको पता लग गया कि हम लोगों ने कौन सी चीज किस तरह से लेके चली, ठीक है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो आई एम मूविंग टू डायरेक्टली टू द क्वेश्चन नंबर 11। बीच के जो क्वेश्चन हैं ये आपको ट्राई करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू रूट सिक्स, बी इज इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस वन and c is equals to 2। ये बोलता है what type of triangle is it? ये acute angle triangle है, obtuse angle है, right angle है या equilateral triangle है? अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि इसका सबसे बड़ी साइड कौन सी है, रूट सिक्स वाली साइड बड़ी है या, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता चलता तो आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे ए का स्क्वायर करेंगे तो सिक्स आएगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री प्लस वन माइनस टू रूट थ्री, यानी फोर माइनस समथिंग, ए स्क्वायर सिक्स है तो बी स्क्वायर फोर माइनस टू इंटू 1.73 है ऑलमोस्ट, एंड c इज इक्वल्स टू c स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास a इज द ग्रेटर साइड, तो हम पहले
कॉस ए फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ए का जो एंगल होगा उसी के ऊपर सब डिपेंड करेगा कि हमारे पास ये ट्रायंगल किस तरह से है। तो ग्रेटेस्ट एंगल हैज ग्रेटेस्ट साइड हैज ग्रेटेस्ट एंगल ऑपोजिट, हमने देखना वो ग्रेटेस्ट एंगल क्या है। अगर वो ग्रेटेस्ट एंगल एक्यूट है तो ट्रायंगल एक्यूट होगा, अगर वो ग्रेटेस्ट एंगल 90 डिग्री है तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और अगर वो ग्रेटेस्ट एंगल ऑब्ट्यूज है तो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉस ए को फाइंड आउट करेंगे। कॉस ए इज ऑलवेज बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन टू बी सी। सो दिस इंप्लाइज दैट इट इज √3 माइनस 1 का होल स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर माइनस √6 का स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3 माइनस 1। ये आपके पास बन जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 1 माइनस 2√3 प्लस 4 -6 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू √3 माइनस 1। दिस इज इक्वल्स टू 3 + 1 4 4 + 4 8 -6 is 2 -2√3 upon 4 into √3 माइनस 1। लगता है बात दिख रही है हमें। माइनस 2 बेटा कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 4 into √3 माइनस 1। दिस एंड दिस कौन। तो हमारे को क्या मिल गया, हमें मिल गया कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू -1/2, और -1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है हमने अभी देखा था, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 120 डिग्री। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, हेंस the triangle is an obtuse angle triangle. तो आप इसको देखें, this is question number 11th we have done. तो यहां तक नोट करें, फिर आगे हम लोग बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें पढ़ने वाले हैं, तो आप जल्दी से नोट करें ताकि हम लोग आगे उस पे फर्दर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे पास दिया गया है ट्राइंगल एबीसी, साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी इज 4:5:6। और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस ए इज टू कॉस बी इज टू कॉस सी। देखिए जी, हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी क्या जाएगा, ए इज टू बी इज टू सी। So this implies that A is to B is to C is 4:5:6। ठीक है, तो यहां पे अब हमें सिर्फ cos A cos B cos C निकालना है। cos A is B square plus C square minus A square upon twice BC। तो इसको आप ले सकते हैं 5² + 6² - 4² अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 6।
ये आपके पास बन जाएगा 25 प्लस 36, 25 प्लस 36 इज 61, माइनस 16 इज 45 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 6, और ये आपके पास आ जाएगा 6 5 32 60, तो दिस इज 3/4. सो दिस इज कॉस ए. कॉस बी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac. ए स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2 × 6 × 4. तो कॉस बी आपके पास आ जाएगा 24 और 16 प्लस 36 52 माइनस 25 इज 27 अपॉन 48. इसको अगर हम देखेंगे तो आ जाएगा आपके पास 9/16. सिमिलरली हमारे पास द लास्ट कॉस सी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ac. देखिए फॉर्मूलाज हैं, सीधा सीधा हम लोग यूज कर रहे हैं. तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अपॉन 2 × 4 × 5. दिस इज 25 प्लस 16, 41 माइनस 36 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास 5/40, 1/8. अब आप देखें, अगर cos A is to cos B is to cos C is, हम लोग लिख सकते हैं 3/4 is to 9/16 is to 1/8. और इसको थोड़ा अच्छे से लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबके एलसीएम सेम कर दीजिए, तो 12/16 इज टू 9/16 इज टू 2/16. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 12:9:2. सो दिस इज द आंसर फॉक्स, राइट. तो इस तरह से आप इसको देखा आपने, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, हमने किस चीज को कहां पे आके यूज किया, दैट इज द थिंग विच वी नीड टू सी. ठीक है जी. नाउ क्वेश्चन नंबर, इन ए राइट ट्रायंगल द साइड्स आर इन एपी देन द रेशियो इज. तो देखें आपने इसमें बड़ा सिंपल सा काम करना है. इस केस में आपने देखना है कि कौन सी साइड्स एपी में, और कौन, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो कौन पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है. तो दैट विल गिव यू द आंसर. उसमें नथिंग टू डू मच, आप खुद से कर सकते हैं इसको. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसकी साइड्स है हमारे पास गिवन ए बी सी. तो इसका मतलब दिस इज स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल बी, दिस इज स्मॉल सी. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं.
consider it as a perpendicular. ठीक है, तो आप यहां पे देखें तो ये, इसको मैं ए, एम ले लेता हूं। तो इस चीज को आप ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ए बी एम या ए एम बी, हम लोग कह सकते हैं कि ए एम अपॉन ए बी, अगर मैं इसको एंगल कंसीडर कर रहा हूं तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू साइन सी, ए एम हमारे पास क्या जाएगा परपेंडिकुलर, बी हमारे पास क्या है ए बी इज सी, सॉरी साइन बी आ जाएगा ये, और आपके पास ए एम इज इक्वल्स टू साइन बी। अब ये बोलता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, हमें पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, तो दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज हाफ, बेस था ए और अल्टीट्यूड हमने निकाला सी साइन बी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस बिकम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। लेकिन आप में से कोई ये भी बोल सकता है कि अगर हम लोग ये एंगल लेते तो हमारी बात अलग हो जाती, यस डेफिनेटली अलग हो जाती, तब हमारे पास क्या आता, तब हमारे पास आता एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए बी साइन सी। याद ये रखना है कि हम यहां पे जो ले रहे हैं साइड्स दे रहे हैं, एंगल उसके अलावा तीसरा वाला होगा, जैसे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इट कुड बी रिटन एज हाफ बी सी साइन ए। अब आपके पास जो चीजें गिवन है, आपके पास ये तीन चीजें गिवन होंगी, आपने इसको यूज करके यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो इस तरह से आप इसको एरिया ऑफ द ट्राइंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास तीन आइडेंटिटीज बन गया, तीन फॉर्मूलाज बन गए, आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके पास क्या दिया गया, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान दीजिए। इसके अलावा मैं एक और चीज आपसे बात करना चाहूंगा, हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को सिग्निफाई करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी रिटन एज स्मॉल ट्राइंगल। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि
meeting point of angle bisector is in center. Meeting point of angle bisector is in center. And सर्कल ड्रॉन, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इन सर्कल टचेस ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. And its radius is called in radius. Denoted by small r. And r is equals to area of triangle upon S. Where S is semi perimeter. ये आप सबको पता है. तो area of triangle is semi perimeter. ठीक है. तो ये जो आपके पास अब यहां पे हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का एरिया कैन आल्सो बी रिटन एज हीरोंस फॉर्मूला दैट इज एस इनटू एस माइनस ए इनटू एस माइनस बी इनटू एस माइनस सी. तो हमारे पास अगर सेल्फ साइड्स गिवन होंगी तो हम इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि एस क्या होता है. एस इज इक्वल्स टू सेमी पेरिमीटर दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू. तो ये आप लोगों ने एक बात ध्यान दी. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज meeting point of perpendicular bisector is इसको हम कहते हैं circumcenter is circumcenter. And circumcircle circumcircle touches all the vertices of a triangle. Of the triangle. And its radius is called
its radius is called circumradius. Denoted by capital R. इसको हम कहते हैं इन रेडियस और इसको हम कहते हैं सर्कम रेडियस. डिनोटेड बाय कैपिटल आर एंड कैपिटल आर इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स सॉरी ए बी सी अपॉन फोर टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो ये जो हमारे पास ये आइडेंटिटीज हैं, ये जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ये हमारे लिए आगे इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो वी विल डू क्वेश्चंस ऑन इट टुमारो प्लस वी विल फिनिश दिस चैप्टर बाय टुमारो. तो आज आप इस क्वेश्चंस को इन चीज़ों को आप देखिएगा, जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है उसको अच्छे से समझिएगा और जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं आप लोग उसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा. तो आज इतने रखते हैं, कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. जय हिंद.